नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश आज की ताज़ा और बेहतरीन खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। और उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हिमाचल प्रदेश की हर ताज़ा खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। मंगलवार को कम सैंपलिंग होने के बावजूद 1026 मामले दर्ज किए गए, वहीं 9 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं 3000 के करीब लोग स्वस्थ हुए। इसी के साथ एक्टिव केसेस की संख्या अब घटकर 13000 के करीब पहुंच चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कल बहुत बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई। आपको बताते चलें कि सभी वर्गों की अपेक्षाओं के दृष्टिगत जो है ये विभिन्न घोषणाएं की गई हैं। आपको सबसे सर्वप्रथम हम बताते चलें कि कर्मचारियों को जो है 31% DA और साथ में प्रदेश की जनता के लिए जो है वो 60 यूनिट तक मुफ्त बिजली का जो है प्रावधान अब किया जाएगा। ये बड़ी घोषणाएं जो है वो की गई है। इसके अलावा 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के तर्ज पर उच्च वेतनमान के लिए अब पात्र होंगे। इसी के साथ पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वार्षिक आय जहां पहले 35,000 रुपये थी, अब उसे बढ़ाकर जो है वो 50,000 रुपये कर दिया गया है। कुछ इस तरह के ऐतिहासिक निर्णय जो है वो कल लिए गए हैं हिमाचल प्रदेश में। अब इन निर्णयों पर जो है वो अंतिम मोहर कब लगेगी आपको बताते चलते हैं कि 3 फरवरी को जो है वो प्रस्तावित बैठक है कैबिनेट की। इसमें जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से जो घोषणाएँ की गई है उस पर जो है वो मोहर लगेगी। और वहीं आपको बताते चलें कि आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षक और SMC शिक्षकों के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो भी कैबिनेट बैठक में आएगा। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों पर जो है वो कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि आपको बताते चलें कि विंटर क्लोजिंग स्कूल और कॉलेज की बात करें तो कॉलेज 4 फरवरी तक बंद है। ऐसे में 3 फरवरी को जो है वो कॉलेज पर भी बड़ा फैसला लिया जाएगा कि आगे जो है वो बंद रखे जाएंगे या खोले जाएंगे। फिलहाल के लिए आपको बताते चलें कि कॉलेज जो है वो बंद रखने की तैयारी में यहाँ पर शिक्षा विभाग है। अब आगे की क्या कुछ रणनीति रहती है इस पर जो है वो 3 जनवरी को फाइनल डिसीजन आएगा। इसके अलावा स्कूलों को जो है वो भी आगे जो है वो बंद रखने का यहाँ पर प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाएगा, जिस तरह से कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में बात करें तो शिमला जिला जो है वो कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। हर 25वां व्यक्ति जो है वो शिमला जिला में अब कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या भी जो है वो सबसे अधिक पाई जा रही है। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस भी अभी शिमला जिला में सामने आ रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बात करें जो अन्य यहाँ पे ITI है, पॉलिटेक्निक है, उस पर भी जो है आपको बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। आपको बताते चले कि पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट जो है वो लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें इंटरनल असेसमेंट बेस पर जो है वो प्रमोशन दी जाए, तो यहाँ पर आपको बताते चले कि अभी HPTSP जो है वो प्रमोशन देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि जो है वो विचार यहाँ पर कर रही है, बार बार जो छात्र संगठन भी मांग कर रहे हैं उस पर आगामी जो भी यहाँ पर निर्णय होगा आप लोगों के साथ जो है वो साझा किया जाएगा। और वहीं 1ली से 8वीं तक की कक्षाओं के जो है ऑनलाइन पेपर हो सकते हैं, इस पर विचार किया जा रहा है। बाकी आगे जो है वो कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो है वो अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो कुछ इस तरह के हिमाचल प्रदेश में बड़े निर्णय रहे हैं। बाकी 3 फरवरी को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में जो है वो अंतिम मोहर इन सभी निर्णयों पर लगने वाली है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ रही है, ऐसी खबरों के लिए जो है वो सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।